वैसे ओटीटी ने, मानना पड़ेगा, भारत के टैलेंट को ना उभारा है। इतना टैलेंट हमारे देश में है और उसको एक मंच मिला ओटीटी के जरिए। वेल, हाल ही में डिजिटल क्रिएटर्स अवार्ड भी हुआ मुंबई में, जहां पहुंचे ढेर सारे सितारे। बिग बॉस ने बना दिया दो आम इंसान को खास, और ये दो खास कोई और नहीं बल्कि एमसी स्टैन और शहनाज गिल हैं। जो दोनों एक साथ डिजिटल क्रिएटिव अवार्ड्स की शाम नजर आए, जहां दोनों अपने ब्लैक आउटफिट में खूब जच रहे थे, और वजह ये भी थी कि दोनों एक दूसरे के फैन भी हैं। शहनाज गिल और एमसी स्टैन की पॉपुलैरिटी में जो इजाफा हुआ है वो बिग बॉस के बाद हुआ। उसके बाद शहनाज गिल की लाइफ तो बदल गई, अब वहीं एमसी स्टैन की भी जिंदगी बदली हुई नजर आ रही है। एमसी स्टैन और शहनाज जहां जाते हैं वहां उनके चाहने वाले उनका स्वागत दिल खोल कर करते हैं। बिग बॉस सच्ची बोलूं मैं फॉलो नहीं किया, बट एमसी स्टैन जीता, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी विद यू। वहीं शहनाज गिल के साथ स्टेज पर अनुपमा यानी कि रूपाली गांगोली भी नजर आईं, जहां दोनों के साथ सुहानी ने अपना मैजिक दिखाया, क्योंकि ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी फेमस हैं। वहीं रेड कार्पेट पर एमसी स्टैन और मुनव्वर फारूकी की गहरी दोस्ती भी देखी गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसको मैं इसके रैप की वजह से जानता हूँ और ये मुझे मेरी कॉमेडी की वजह से जानता है। मैं इसको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ और हम बहुत अच्छे भाई है भाई, मेरा बहुत प्यारा भाई है। मुनव्वर और एमसी स्टैन एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। डिजिटल की दुनिया में आशीष विद्यार्थी भी पीछे नहीं है, वो तो रेड कार्पेट पर अपना गोप्रो लेकर पहुंच गए। वहीं आदित्य ठाकरे भी रेड कार्पेट पर नजर आए और उन्होंने सभी को अवार्ड भी दिया। तो तब ये सोशल मीडिया नाम की चीज थी ही नहीं, तो एक तरह से इट्स अ बेन एज वेल एज इट्स अ बून ऑल्सो कि आप इसमें घुसे पड़े रहते हो, पता नहीं चलता कि स्क्रॉल करते करते कितना टाइम निकल गया। तो इस तरह डिजिटल क्रिएटर अवार्ड की शाम रही, जहां लगभग सभी क्रिएटर्स ने अपनी दस्तक दी। अवार्ड की शाम एक ऐसी शाम होती है जहां दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।